दोस्तों आज हम लोग जानेंगे हम सभी का प्यारा यूट्यूबर धनीश जेहन के बारे में, जिन्हें आप तो जानते ही होंगे और अगर नहीं भी जानते हैं तो हम आपको बता दें कि धनीश जेहन एक पॉपुलर यूट्यूबर हैं जिन्होंने आज 21 दिसंबर 2018 को इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। मगर हाँ, आज वो इतनी कम समय में जो भी किया वो किसी बड़े मोहताज से कम नहीं है। तो चलिए दोस्तों इनके पूरे लाइफ जर्नी के बारे में हम लोग शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है मार्च 1996 से, जब धनीश जेहन का जन्म महाराष्ट्र के कोरला डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और धनीश जेहन मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। और दोस्तों धनीश जेहन केदारनाथ विद्या पारासारणी इंग्लिश हाई स्कूल से 10+2 तक के पढ़ाई पूरा किए हैं। ये बचपन से ही पढ़ने में इंटेलिजेंट बच्चे रहे। इसके अलावा उनको अपने लाइफ स्टाइल को दूसरे को दिखाना बहुत अच्छा लगता था, पर उनको सलाह देने वाला कोई नहीं था कि अपने लाइफ स्टाइल को दिखाएं कैसे। पर कुछ दिनों के बाद उनका यह भी समस्या दूर हो गया, क्योंकि वे जब यूट्यूब पर वीडियो देखे कि एक बंदा लाइफ स्टाइल ब्लॉग बना रहा है और लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं तो क्यों ना हम भी बनाएं। लेकिन वह अपना YouTube स्टार्ट किया हेयर स्टाइल को लेकर, जिसे कि लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि शुरू में उनको कैमरा के सामने बात करने में बहुत डर लगता था कि आखिर हम लोगों से बात कैसे करें। और बाहर जब भी निकलते थे तो लोग इन्हें चिढ़ाते भी थे कि आखिर यह कर क्या रहा है। और शुरू में इनके पास कैमरा या स्मार्टफोन भी वैसा नहीं था जिसे कि प्रोफेशनल वीडियो शूट किया जा सके। लेकिन दोस्तों वो इस पर ध्यान नहीं दिए, अपने काम पर ध्यान दिए। और दोस्तों फिर कुछ दिनों के बाद उनको YouTube से कुछ सीख मिली और उन्होंने अपना सेकेंड चैनल खोल ही दिया धनीश जेहन लाइफ स्टाइल के नाम से, जिस पर वे अपना लाइफ स्टाइल ब्लॉग डालना शुरू कर दिया। शुरू में तो इनको ना व्यूज मिल रहा था और ना ही लाइक, और इन सभी चीज़ों को वो इतना भी सीरियस नहीं लेते थे। फिर दोस्तों इनके YouTube चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हुआ तो वो इतना खुश हुए जैसा कि 1 लाख हुआ है। और उस दिनों से दोस्तों वो और भी दिल से काम करने में लग गए। और उसी समय ने उनके भाई ने भी एप्पल का मोबाइल गिफ्ट किया था जिससे कि प्रोफेशनल वीडियो शूट करते थे। और जब वे अपने यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू वर्क करना शुरू किए तो उनके वीडियो पर लाखों व्यूज आने लगा। और दोस्तों आज इनके यूट्यूब चैनल धनीश जेहन पर 4 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है। और इसके अलावा इनके इंस्टाग्राम पर 10 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, यानी 1 मिलियन। लेकिन दोस्तों ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं गई, क्योंकि जब वे एक शादी अटेंड करके आ रहे थे तो रात में एक कार एक्सीडेंट हो गई जिससे कि उनका मौत हो गया। तो दोस्तों ये है धनीश जेहन की पूरी लाइफ स्टोरी। आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे प्लीज़ हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।